कंगना की फिल्म पर लग गई इमरजेंसी, तो नेता विपक्ष को लेकर बदले कंगना के तेवर। राहुल गांधी के सामने हाथ जोड़कर करने लगी अपील। एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत पॉलिटिकल ड्रामा आधिकारिक फिल्म इमरजेंसी को लेकर चर्चा में है। सिख समुदाय के आपत्ति जताने और कई लोगों की पिटीशन के बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेट ने कंगना रनौत की फिल्म को रिलीज के लिए हरी झंडी नहीं दिखाई। इस फिल्म को CBFC की तरफ से अब तक सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है। इस वजह से मेकर्स को इस पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म को मजबूरन पोस्टपोन करना पड़ा। इस बात से निराश होकर कंगना ने राहुल गांधी के सामने अपने घुटने टेक लिए हैं। दरअसल हाल ही में शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में कंगना रनौत खास मेहमान बनकर आई थी। इस दौरान उन्होंने फिल्म इमरजेंसी को लेकर ढेर सारी बातें की, लेकिन साथ ही एक्ट्रेस ने रिलीज डेट पोस्टपोन होने पर अपना दुख भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मेरी फिल्म पर इमरजेंसी लग गई है, ये स्थिति बहुत ही निराशाजनक है। मैं तो अपने देश से और जो हालात हैं उससे बहुत ही ज्यादा निराश हूँ। इसी के साथ साथ कंगना ने राहुल गांधी के सामने हाथ जोड़ लिए। जब इंटरव्यू के दौरान कंगना से सवाल हुआ कि वो इंदिरा गांधी के रूप में राहुल गांधी को अच्छी लगेंगी, इसके जवाब में कंगना कहती है कि राहुल गांधी को इस फिल्म को एक मौका देना चाहिए। आने दें वो मेरी फिल्म को। आपके पॉडकास्ट के जरिए मैं अपील करती हूँ कांग्रेस वालों से कि मेरी फिल्म आने से मत रोकिए, ये फिल्म आकर प्लीज देखिए और फिर आपको कोई दिक्कत हो तो बताइए, हम बात करेंगे, लेकिन मेरी आवाज मत दबाइए। तो ये था कंगना का बयान, जिस पर अब लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की बात कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि सरकार BJP की है, सेंसर बोर्ड BJP का है, फिर कंगना राहुल गांधी से क्यों आग्रह कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कंगना को भी पता चल गया कि सरकार भले ही मोदी जी की है मगर सिस्टम तो राहुल गांधी का ही है। एक यूजर का कहना है, पहली ऐसी सांसद देखी जो सांसद बनते ही थप्पड़ खा रही है, फिर भीख मांग रही है। झोले वाला फकीर सबको भिखारी बनाकर छोड़ेगा। पार्टी में शुरुआत कंगना से हुई, बहरहाल अब राहुल गांधी की खिल्ली उड़ाने वाली, उन पर तंज कसने वाली कंगना रनौत ने जब उनके सामने अपने हाथ जोड़ लिए तो कहा जा रहा है कि कंगना की हेकड़ी निकल गई। बेबाकी से बयान देने वाली कंगना आज इतनी नरम पड़ गई है कि उनके तेवर बदल गए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि फिल्म इमरजेंसी का ट्रेलर जब से रिलीज हुआ है तब से विवादों में है। फिल्म पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप भी लग रहा है। फिल्म में साल 1975 में लागू हुई इमरजेंसी की कहानी को बयां किया गया है। इसमें एक्ट्रेस ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार अदा किया। फिलहाल राहुल गांधी के लिए बदले कंगना के तेवर पर क्या कहना है आपका, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और डेली न्यूज़ यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।